तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अपने फ़ोन पर आए हुए इंग्लिश मैसेज को आप हिंदी में कन्वर्ट करके कैसे रीड कर सकते हो। तो दोस्तों आपका भाई आपको मस्त ट्रिक बताने वाला है, सिर्फ आपको यहाँ पर पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना है जिससे कि आपको बिल्कुल ठीक से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक ज़रूर कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टेक केयर 07 के टेक वीडियोज में आपका स्वागत है। कंटिन्यू दिस वीडियो। तो दोस्तों इस ट्रिक को यूज करने के लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर में चले जाना है। वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है हाई डिक्शनरी। यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आता है। यहाँ पर आपको 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना रहेगा दोस्तों। पहले ये जब आप फर्स्ट टाइम इस ऐप को डाउनलोड करके ओपन करोगे दोस्तों कुछ परमिशन मांगेगा, आपको सेटिंग्स में जाके उसे ऑन कर देना है। ये आपको खुद ही बताएगा आपको परमिशन कैसे देना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना जो है लैंग्वेज, अपना लैंग्वेज यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, आपको किस लैंग्वेज में मैसेज को रिसीव करना है। और यहाँ पर अपने फ्रेंड का लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, किस लैंग्वेज में आपका फ्रेंड आपको मैसेज कर रहा है। तो चलिए मैं चलता हूँ बैक। बैक जाने के बाद दोस्तों इसे यूज कैसे करना है, आपको सिंपली स्टिच वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों 2 बार इस पर टैप करना पड़ेगा आपको, तब जाके ये ऐप आपके होम स्क्रीन पर रन करेगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऐप मेरे फ़ोन स्क्रीन पर रन कर रहा है। तो यहाँ पर मैं अब चलता हूँ आपको एक इंग्लिश मैसेज को जो मुझे मेल आया यूट्यूब की ओर से उसे मैं रीड करके हिंदी में आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली आपको इसे पेस्ट कॉपी करना है, तो सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करके मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसे सिंपली कॉपी करने के बाद दोस्तों चला जाता हूँ अपने व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में जाने के बाद दोस्तों सिंपली आपको मैसेज कर देना है। मैसेज करने के बाद दोस्तों फिर आपको इस मैसेज को अपने पास रिसीव करना है। रिसीव करने के बाद दोस्तों इसको सिंपली आपको इसे क्लिक करके रखना है। क्लिक करके रखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखा दिया है सब कुछ, आपको क्या मेल आया है। तो आप भी इस तरह यूज कर सकते हो। चलिए मैं इसके दूसरे ट्रिक की बात करता हूँ। यहाँ पर दूसरे ट्रिक की अगर बात करूँ मैं दोस्तों, यहाँ पर एक कैमरे का ऑप्शन मिल जाता है, आपको सिंपली इसे ओपन करना है। अगर कोई आपके पास बुक है इंग्लिश की तो उसे आपको एक पेज का जो है फ़ोटो खींचना है। फ़ोटो क्लीन होना चाहिए दोस्तों। क्लीन फ़ोटो में आप जो भी सेंटेंस रहेगा इंग्लिश में उसका जो है हिंदी सेंटेंस आपको दिखा देगा, उसका हिंदी मीनिंग आपको यहाँ पर बता देगा।